इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत। इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझ के साथ करेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, इस चैप्टर से बहुत ही अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया करता है, तो ध्यान से देखना है। ये ऊर्जा के उत्तम स्रोत, इस टॉपिक से रिलेटेड अभी प्रश्न चल रहा है। फिर हम लोग अगले टॉपिक यहाँ देखेंगे वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो अलग अलग टॉपिक वाइज देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। देखिए, ये 2019 में आया हुआ है। विकल्प है कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो यहाँ स्वच्छ ऊर्जा स्रोत पूछ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ उत्तर हो जाएगा सी, प्राकृतिक गैस, क्योंकि कोयला और लकड़ी जो है ये स्वच्छ ऊर्जा स्रोत नहीं है। दूसरा नंबर प्रश्न, उत्तम ऊर्जा स्रोत इनमें से कौन नहीं है। इस बार प्रश्न पूछ रहा है कौन नहीं है, तो जो सरलता से सुलभ हो, जो सस्ता हो, जो प्रज्वलन ताप उच्च हो, काफ़ी धुआं युक्त हो, तो कौन नहीं है कह रहा है। तो देखिए, यहाँ ये सभी उत्तम ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं, लेकिन डी है काफ़ी धुआं युक्त हो, तो ये उत्तम ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो विकल्प होगा डी। तीसरा प्रश्न, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो चार विकल्प है, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो यहाँ स्पष्ट है कि पेशीय ऊर्जा होगा, क्योंकि शारीरिक कार्य जब हम कर रहे हैं तो अपने हाथ या पैर के मांसपेशियों का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पेशीय ऊर्जा सही विकल्प होगा। चौथा नंबर प्रश्न, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। देखिए, यह अभी 2019 में आया हुआ प्रश्न है। ए है कोयला, बी है लकड़ी, सी है पेट्रोलियम, डी है बायोमास। तो चौथा का सही उत्तर हो जाएगा बायोमास। ये सबसे, इन चारों में सबसे अच्छा ऊर्जा स्रोत है। प्रश्न पाँच, भोजन से हमें मिलती है, ये बतलाना है क्या मिलती है। तो जैविक प्रक्रम के लिए ऊर्जा, शारीरिक कार्यकलापों के लिए ऊर्जा, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पाँच का हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, क्योंकि भोजन से जैविक प्रक्रम के लिए ऊर्जा मिलता है और शारीरिक कार्यकलापों के लिए भी ऊर्जा मिलता है। छठा नंबर प्रश्न, वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक है, तो ये बतलाना है क्या आवश्यक है। एक पेट्रोल, बी प्राकृतिक गैस, सी ए तथा बी दोनों, अर्थात पेट्रोल और प्राकृतिक गैस दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ छठा का सी हो जाएगा, पेट्रोल तो आवश्यक है ही, आजकल प्राकृतिक गैस अर्थात सीएनजी पर भी बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, तो यहाँ सी सही विकल्प होगा। सातवां नंबर प्रश्न, डीजल का उपयोग होता है, ए भारी वाहनों में, बी रेल के इंजनों में, सी विद्युत उत्पादनों में, डी ए बी सी तीनों में, या ये भी हो सकता है उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर सात का सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि यह भारी वाहन, रेल इंजन तथा विद्युत उत्पादन सब में उपयोग होता है। आठवां नंबर प्रश्न, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, ये प्रश्न बोर्ड मॉडल है, आया हुआ है। तो बल कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कार्य करने की क्षमता को आठवां का सही उत्तर हो जाएगा सी, ऊर्जा कहते हैं। अगर यही यहाँ दर कहता तो शक्ति हो जाता। तो ध्यान दीजिएगा, आठ का यहाँ सी सही होगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। अब यहाँ टॉपिक चेंज हो रहा है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, इससे कुछ प्रश्न अब दिए जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, अर्थात नौ नंबर, ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है, इस ऊष्मा को क्या कहते हैं। विकल्प है निवेश ऊर्जा, बी है सामान्य ऊर्जा, सी है स्थितिज ऊर्जा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो नौ का सही उत्तर हो जाएगा ए, निवेश ऊर्जा, क्योंकि ईंधन जलाने के लिए सबसे पहले कुछ
ज्वलनशील पदार्थ जलाया जाता है वही होता है निवेश ऊर्जा। अब 10 नंबर प्रश्न, बायोगैस का मुख्य अवयव है, यहाँ ये भी बोर्ड मॉडल प्रश्न है, तो CO2, CH4, H2, H2S। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पहले समझ लीजिए, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है मीथेन, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड और ये है हाइड्रोजन। तो यहाँ मीथेन जो है यह बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा बी। 11 नंबर प्रश्न, जीवाश्म ईंधन है, क्या है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी उपरोक्त सभी। बतलाना है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो देखिए, कोयला, पेट्रोलियम और उसी से प्राकृतिक गैस बनता है, तो ये सभी जीवाश्म ईंधन है, तो उत्तर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 12 नंबर प्रश्न, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है, एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है, ये बोर्ड मॉडल भी प्रश्न है, तो यहाँ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 12 का बी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 13 नंबर प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, यह अभी बोर्ड मॉडल प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा उत्तरदायी है? तो O2 अर्थात ऑक्सीजन, NH3, CO2 और N2। तो यहाँ पर चारों विकल्प में से कौन सा होगा? 13 का हो जाएगा सी, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। 14 नंबर प्रश्न, एक MV के जनित्र के लिए पवन फार्म को कितनी भूमि चाहिए, मतलब एक मेगावोल्ट है, यहाँ वाट भी हो सकता है, कितनी चाहिए भूमि? तो यहाँ पर 2 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, 7 हेक्टेयर। तो 14 का सही उत्तर होगा, इसको स्थापित करने के लिए 2 हेक्टेयर भूमि की रिक्वायरमेंट होती है, तो ए होगा इसका सही उत्तर। 15 नंबर प्रश्न, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, बोर्ड मॉडल भी है, उत्तर है विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही उत्तर होगा CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। 16 नंबर प्रश्न, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, देखिए यह भी आया हुआ प्रश्न है, तो तापीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा आंसर होगा, क्योंकि जल विद्युत संयंत्र में जल को काफ़ी अधिक ऊंचाई पर चढ़ाकर ऊर्जा संचित की जाती है और उसको टर्बाइन पर जब गिराया जाता है तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो 16 का विकल्प ये नहीं खोजेंगे कि जल कहाँ है, ये सीधा होगा डी, स्थितिज ऊर्जा। 17 नंबर प्रश्न, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत हो सकता है, तो जीवाश्मी ईंधन पूछ रहा है, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, दोनों प्रकार, सभी कथन सत्य हैं। तो 17 का उत्तर होगा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, क्योंकि ये एक बार समाप्त हो जाए तो बनते नहीं हैं, और बनते भी हैं तो बहुत थोड़ी मात्रा में, लाखों करोड़ वर्ष के बाद। 18 नंबर प्रश्न, जीवाश्मी ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है, यहाँ नहीं है, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन को छोड़ के ये सभी गैस फॉर्म, इन सभी गैसों का फॉर्मेशन होता है जीवाश्मी ईंधन के जलाने पर, तो सही उत्तर होगा यहाँ ऑक्सीजन गैस। 19 नंबर प्रश्न, डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत पवन चक्कियों से प्राप्त होता है, चूँकि डेनमार्क जो है पवन का देश कहा जाता है, तो यहाँ पे पवन ऊर्जा अधिक मात्रा में प्राप्त की जाती है, तो 19 का विकल्प दिया है 10%, 20%, 30%, 25%। तो 19 का सही उत्तर होगा डी, 25% वहाँ ऊर्जा पवन चक्की से प्राप्त की जाती है।
20 नंबर प्रश्न, डेनमार्क को कहा जाता है उद्योगों का देश, खनिज पदार्थों का देश, पवनों का देश, जल विद्युत का देश। तो जैसा कि ऊपर के प्रश्न को समझाने में मैंने नाम ले लिया है तो पता चल गया होगा कि डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। तो इस तरह से ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आप पहले याद कर लेंगे और कमेंट भी करेंगे कि कैसा लग रहा है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप अगर कहेंगे तो इस चैप्टर में और भी आगे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर वाइज किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।